कितना कुचला है हमको। ये 22 मार्च की रचना है, हमारी अभिव्यक्ति है। कितना कुचला है हमको, ये होना था, ये होना था, ये तो होना ही था। सबको बहना ही था, सबको बहना ही था समय चक्र की धारा में, सबको बहना ही था समय चक्र की धारा में। नियति चक्र चलता है फिर, नियति चक्र चलता है फिर, बारंबार ये कहता है, तुम मुझको काटोगे तिल तिल, तुम मुझको काटोगे तिल तिल, मैं जड़ से काटूंगा सबको। तुम मुझको काटोगे तिल तिल, मैं जड़ से काटूंगा सबको। बस एक तमन्ना मेरी थी, बस एक तमन्ना मेरी थी, हरा भरा संसार रहे। नहीं समझ पाए तुम हमको, नहीं समझ पाए तुम हमको, एक दूसरे के थे सहचर। नहीं समझ पाए तुम हमको, एक दूसरे के थे सहचर। बिन मेरे भरी उड़ाने, प्रकृति कह रही है, बिन मेरे भरी उड़ाने कंक्रीट जंगल उपजाए। शांत रहा मैं मूक बधिर सा, शांत रहा मैं मूक बधिर सा, कुछ छड़ देकर देखा तुमको। नहीं समझ पाए तुम फिर भी, नहीं समझ पाए तुम फिर भी, दर्द हमारा छड़ भर को। सांसों की माला टूटी मेरी, प्रकृति कह रही है, सांसों की माला टूटी मेरी, टूट गया संसार हमारा। फिर भी दीन हीन सा बैठा, फिर भी दीन हीन सा बैठा, सोचा कुछ तो करना होगा, सांसों के बदले सांसें लेना, यही मेरा उद्देश्य रहा। अब उतने ही बच पाओगे, अब उतने ही बच पाओगे, जितना हमको शेष किया है, प्रकृति कह रही है, अब उतने ही बच पाओगे जितना हमको शेष किया है। समय चक्र जब समतल होगा, समय चक्र जब समतल होगा, नियति चक्र तब चल पाएगा। फिर बैठेंगे जब ऊपर, फिर बैठेंगे जब ऊपर, गलती का चिट्ठा लेकर। फिर देखना कब कब तुमने कैसे कैसे कुचला हमको। अभी एक ही डोर खिंची है, प्रकृति कह रही है, अभी एक ही डोर खिंची है, माणिक मूंगे गए बिखर, सांसों की माला गई बिखर, सांसों का बदला सांसे ही, सांसों का बदला सांसे ही, ये तुमने ही सिखलाया है। तुमने कुछ तो किया नहीं, हमने ये कर दिखलाया है। ये प्रकृति का चैलेंज था, ये जो मैंने 22 मार्च को अनुभव किया अपने देश में, तो जो हलचल थी विदेशों में बहुत ज़्यादा थी, तो सिर्फ एक सहारा नेचर का है जिसको हमने कुचल दिया था। तो एक अभिव्यक्ति जो हमारी अनुभूति थी वो आपके सामने है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं आपको अपनी रचनाएं सुना रही हूँ, तो वो अनुभूतियाँ भय की वो कहाँ तक हाइपर हुई हमारे शब्दों के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से, कहाँ आकर के हम प्रकृति के साथ जुड़ गए हैं, कहाँ हमें थोड़ा सा राहत मिली है, वो जिस समय जहाँ जैसे, वो सारी अनुभूतियाँ हमारे इन शब्दों में सिर्फ इसी टाइम के पीरियड में जो हमने अभिव्यक्त किया है। तो दूसरी रचना है हमारी 24 मार्च की, प्रकृति का श्रृंगार। देखिए उस समय हम लोग उथल पुथल में थे, लॉकडाउन की स्थितियां आ गई थी, इस समय हो भी गया था 24-25 में। तो उस समय नेचर कितना खुश हो रहा था, एक ऐसा लग रहा था जो मैंने फील किया कि वो श्रृंगार जैसे कर रहा हो बहुत टाइम बाद। प्रकृति का श्रृंगार, बिखरे लोग पसरा सन्नाटा, बिखरे लोग पसरा सन्नाटा, प्रकृति का श्रृंगार जैसे सदियों से अधूरा था अब पूरा हुआ। मुद्दतों बाद जैसे प्रकृति के हाथों में भर भर कर हल्दी रचाई गई हो, जैसे मुद्दतों बाद प्रकृति के हाथों में भर भर कर हल्दी रचाई गई हो, कुछ लम्हों का आनंद पसरे सन्नाटे के बीच, जैसे बसंती बयार लोरी सुनाकर पुष्पों की बाल मनुहार को पूर्ण करने की चेष्टा कर रही हो। जब हम नहीं रुके, जब हम नहीं रुके, तब प्रकृति ने अंगड़ाई ली, जब हम नहीं रुके तब प्रकृति ने अंगड़ाई ली और बुदबुदा कर बोली,
और बुदबुदा कर बोली, सन्नाटा तुमको पसंद है, सन्नाटा तुमको पसंद नहीं, सन्नाटा तुमको पसंद नहीं तो शोर मुझे पसंद नहीं। और उसने अपना ये कद दिखाया कि सब जगह शोर को समाप्त करके और हम लोगों को एक ताले में बंद कर दिया, जो सदियों से कहा जा रहा था कि प्रकृति को आप लोग बचाइए, पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, उसको सहेजिए। जो हमने नहीं किया, हम इंसानों ने, वो नेचर ने खुद कर दिया और इसका पनिशमेंट आज हम सब लोग झेल रहे हैं। किस रूप में, ये हम सब लोग की बहुत गहरी अनुभूतियाँ हैं। हम सब, आप सब लोग बहुत संवेदनशील लोग हैं तो सब अनुभव कर रहे हैं। धन्यवाद सर। फिर ये अभी ये 24 मार्च की रचना थी। अब देखिए और हमारी कितनी गहरी अनुभूतियां होती जा रही हैं। इसी बीच कविता के साथ में हमने चित्र भी बनाए हैं, जो ये अभिव्यक्तियां हैं, तो वो चित्र हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं। बहुत इसी श्रेणी में, कभी हमने शब्दों में, कभी रंगों के माध्यम से और कभी पेंसिल के माध्यम से अपनी अभिव्यक्तियां की हैं। कितना आंदोलित कर रहा था ये जो समय था, उसको मैंने, मेरी जो अनुभूतियां हैं उसको आपके सामने व्यक्त करें। हो सकता है आपको लगे कि एक यात्रा जो थी इस क्षण की, इस समय की, डेढ़ ये दो महीने की जो यात्रा है, वो किन किन पगडंडियों से होती हुई इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त हुई है। तो अगली रचना हमारी है 26 मार्च की, कुछ क्षण। इस पे पहली पेंटिंग मैंने बनाई थी, तो ये शब्दों के माध्यम से है आपके सामने। कुछ क्षण, कुछ क्षण रुक कर तो देखो, ये प्रकृति ही संबोधित कर रही, आह्वान कर रही है प्रकृति के लिए। हम कह रहे हैं कि कुछ क्षण उसको रुक करके देखिए, आप उसको, उसकी अनुभूतियों को फील करिए, वही भावनाएं इसमें हैं। कुछ क्षण रुक कर तो देखो, कुछ क्षण रुक कर तो देखो, मौन मुखरित हो चला है। कुछ क्षण रुक कर तो देखो, मौन मुखरित हो चला है, दर्द का प्याला समेटे, दर्द का प्याला समेटे, शिव की महिमा गान कर, वेदना के भाव में, वेदना के भाव में संवेदना सिमटी पड़ी है, वेदना के भाव में संवेदना सिमटी पड़ी है। आज तो संभावना भी समय की सहचर बनी है, वेदना के भाव में संवेदना सिमटी पड़ी है, आज तो संभावना भी समय की सहचर बनी है। अगर रहे चुप अभी भी, अगर रहे चुप अभी भी, तो समझना मौत का आवाहन हो चला है। शाम ढलती जा रही है, चाल, शाम ढलती जा रही है, चल पड़ो बस एक बार, देख लो इनकी भी दुनिया, चल पड़ो बस एक बार, देख लो इनकी भी दुनिया, ठूंठ होती तरुलताओं का भी क्रंदन मौन है, ठूंठ होती तरुलताओं का भी क्रंदन मौन है। इस मौन भाषा को समझो, इस मौन भाषा को समझो, कुछ तो कर दिखाओ, तनिक सांसों की जरूरत, तनिक सांसों की जरूरत, हरा भरा कर दो इन्हें, आस की ये दृष्टि है, आस की ये दृष्टि है, दृष्टि भर देखो इन्हें, आस की ये दृष्टि है, दृष्टि भर देखो इन्हें, ये जीवन है हमारे, हम जीवन है इन्हीं के। हम लोग क्या है सर, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के बीच में कुछ अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने का मौका मिला। देखिए जब हम प्रकृति से जब जब अलग हुए हैं, तब प्रकृति ने अपने तांडों से हम सबको अपनी लाइन पे लाके कर दिया है। और वही समय इस समय है, अगर अब भी हम नहीं चेतेंगे, प्रकृति की अभी बहुत सारी सांसें उधार हैं जो हम लोगों ने ले रखी हैं, उसको समर्पित नहीं करेंगे तो और भी विकराल स्थितियां हो जाएंगी। ये मैंने 26 मार्च को रचना लिखी थी सर, ये हमारी अनुभूतियां जो हम अंदर फील कर रहे थे वो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। बस ये थोड़ी सी अनुभूतियाँ हैं, कोई मैं कवित्री नहीं हूँ सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मौका दिया है मुझे। अगली रचना है सर हमारी 29 मार्च की, भय।
उसका टाइटल है भय। देखिए जितना जितना अपने भारत में कोरोना का प्रवेश हो रहा था और ये हलचल बढ़ती जा रही थी, उतना उसके साथ में मैं ही नहीं, मैं तो एक उदाहरण आपको दे रही हूँ, मैं जितने कलाकारों से जुड़ी हुई थी, जितना कुछ था, उन सब की फीलिंग भी, उनका वर्क भी मैं देख रही थी, इसी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही उनमें भी चेंज आ रहे थे। ये 29 मार्च की रचना है भय। बंद, इस पे चित्र भी है सर बहुत बड़ा, बंद दरवाजों को तोड़। जब लॉकडाउन हो गया था और भीड़ भाग रही थी भय के मारे, जो हमारे मजदूर लोग थे कहाँ कहाँ से निर्द्वंद बिना कुछ सोचे चले जा रहे थे, कहाँ पहुँचेंगे कुछ नहीं, कोई अंतिम रेखा नहीं थी, कोई उनका वो लास्ट बिंदु नहीं था कि कहाँ पहुँचना है, बस पहुँचना है अपनों के पास में, वो अनुभूतियाँ हैं। बंद दरवाजों को तोड़ पीछे ही पीछे भागी चली जा रही है भीड़, भीड़ और भीड़। कोई है जो घर होकर भी भागा चला जा रहा है, कोई है जो घर होकर भी भागा चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है। हादसे के अंदेशे से इंसान की कौमों को बटोरने, कोई है जो घर होकर भी भागा चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है। हादसे के अंदेशे से इंसान की कौमों को बटोरने, ध्यान दीजिएगा, इंसान की कौमों को बटोरने भय दौड़ रहा है, दौड़ता ही जा रहा है, मुद्दतों से भीड़ बनकर बंद दरवाजों को तोड़ पीछे ही पीछे भागी चली जा रही है भीड़, भीड़ और भीड़। देखिए धीरे धीरे हम भी उसी, हमारी भावनाएं उसी में, जितना भी ये कोरोना का भय भारत में पहुंचता जा रहा था, पहले तो न्यूज़ बहुत 24 घंटे देखते थे, फिर धीरे धीरे जो हमारे अंतस में भय भरता गया और शब्दों के साथ व्यक्त होता गया, उसी की ये कुछ अभिव्यक्तियां हैं। अगली रचना है सर हमारी, धन्यवाद सर, 30 मार्च को जो मैंने ये सीक्वेंस से मैं आपको जैसे लिखा है वैसे आपको पता चलेगा कि कैसे 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 इसमें चेंज आए हैं हमारी मानसिकता में, हमारी अंतर अनुभूतियों में। जीवन उस समय सब लॉकडाउन, घर में रहना, तो उस समय भी थोड़ा सा विजन जो निगेटिव हो रहा था उसको पॉजिटिव, फैमिली से हम भी दूर थे, फैमिली हमारी यूपी में, मैं यहाँ पे थी, बनसली में हूँ, तो थोड़ा सा एक जो था उस चीज़ को भय, उस चीज़ को थोड़ा हम निगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में थोड़ा थोड़ा अपने आप से अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर रहे थे। जीवन तो चलता रहा दुआओं में तन्हाइयाँ बेफिक्र हो फलक पर मचलती रहीं। जीवन तो चलता रहा दुआओं में तन्हाइयाँ बेफिक्र हो फलक पर मचलती रहीं। तूलिका की एक आहट ने अनेक बिंब बुन दिए। तूलिका की एक आहट ने अनेक बिंब बुन दिए। काश ये तन्हाइयाँ कुछ बोल पाती। दर्द को बेदर्द कर जिंदगी से कुछ कह पाती। असर तो होगा तन्हाइयों की दुआओं का और जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन तो चलता रहेगा दुआओं में, थोड़ा सा विजन पॉजिटिव हुआ और जो हमारा जो एक आधार था, मैं रंगों और रेखाओं में सिर्फ उसी में मेरा ये टाइम निकला है, ये जो पीरियड रहा है लॉकडाउन का और घर में ही रहे हैं, तो ये इन माध्यम से ही अपने को संजोए रहे हैं, अपनी आत्मा को और सबके साथ इन शब्दों को बांटते रहे, और आज बहुत अच्छा मंच मिला है आप लोगों के सौजन्य से, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये 30 मार्च की रचना थी। अब इसके बाद में
एक अप्रैल की रचना है, इस बीच में पेंटिंग्स भी होती रही हैं सर बहुत सारी। एक अप्रैल की रचना है ये, जब हम रंगों के प्रति थोड़ा विजन हमारा पॉजिटिव होता गया गया है। रंग ही जीवन है, रंग ही जीवन है, इनकी तासीर अद्भुत होती है। रंग ही जीवन है, इनकी तासीर अद्भुत होती है। रंग सोख लेते हैं रेखाओं को, आकारों को। रंग सोख लेते हैं रेखाओं को, आकारों को, और चमक जाते हैं फलक पर, और चमक जाते हैं फलक पर जीवन के लिए, और चमक जाते हैं फलक पर जीवन के लिए। रेखा रूपाकार इन्हें सहेजिए, रेखा रूपाकार इन्हें सहेजिए, तो प्रकृति स्वतः रंगीन हो जाएगी। हमें मेरा जो सिर्फ एक मैसेज ये है आपके माध्यम से, जितने लोग भी हमारे से जुड़े हुए हैं, सभी परिचित हैं, सभी को धन्यवाद, कि प्रकृति को हमें वापिस सहेजना है। और जो हमारे जो मजदूर भाई वापिस अपने शहरों से जो गांव में गए हैं, मुझे लगता है उनको भी उस गांव की सौंधी मिट्टी की महक से अब वो और ज़्यादा रूबरू होंगे। मुझे लगता है उस माटी में अब वो अपनी आत्मा खोजेंगे और उसको इतना वो हरा भरा करेंगे। ये लगता है ये उद्देश्य लेकर, ये दर्द लेकर शहरों का वो वापस गए हैं अपने गांव में, और उस गांव को वो हरा भरा करेंगे। हमारा भी निवेदन यही है कि प्रकृति के साथ हमें बहुत प्यार भरा बर्ताव करना चाहिए। जो आज कल पूरी दुनिया में, अपने देश में तो दुनिया में कंक्रीट जंगल बन गए हैं, नेचर का तो कोई, प्रकृति का तो कोई महत्व नहीं रहा। जिस प्रकृति ने हमारे ऋषियों को वेद दिए हैं, इसी प्रकृति के बीच में वेदों की रचना हुई है, और आज हमने उस प्रकृति के तार तार कर दिया है, तो आज वो हमसे कैसे, हमको अंदर करके और खुद जीवंत हो रही है। आप देखिए, उसी गंगा को लाखों रुपया लगा करके जो सफाई नहीं हो पाई, यमुना जो सफाई नहीं कोई कर पाया, आज उसने खुद अपने आप से सब हरा भरा स्वच्छ कर लिया। तो ये क्या है, प्रकृति को बहुत अच्छे से पता है उसको अपना श्रृंगार कैसे करना है। अगली एक रचना हमारी है 3 अप्रैल की, दृष्टि। धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, और मैं बुस्टअप भी हो रही हूँ कि जो मैंने सोचा, मुझे लगता वही सोच आप लोगों की है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। 3 अप्रैल की रचना है हमारी, दृष्टि। तुम रुक क्यों गई, इस पे एक मूर्ति बनाई हमने क्ले की। दृष्टि तुम रुक क्यों गई, उम्र तुम्हें किसने ढकेला। दृष्टि तुम रुक क्यों गई, उम्र किसने ढकेला। इंसान तुम ऐसे कैसे गिर गए, इंसान तुम ऐसे कैसे गिर गए, बदचलन हो गया है आदमी। इंसान तुम ऐसे कैसे गिर गए, बदचलन हो गया है आदमी। प्रकृति को खा लिया है, प्रकृति को खा लिया है, वेदना भी कराह उठी है। प्रकृति को खा लिया है, वेदना भी कराह उठी है। इंसान ने करवट ली, इंसान ने करवट ली, वो सब देखता रहा, अपने अनुभव संजोता रहा। वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी किसी को दरकार नहीं। दृष्टि तुम रुक क्यों गई, उम्र तुमको किसने ढकेला। ये सब अनुभूतियाँ हैं, हम इंसानों ने जो किया है उसी पे थोड़ी थोड़ी। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतरीन। धन्यवाद, धन्यवाद सर, मैम, सभी को, पूनम मैम, प्राण, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगली रचना हमारी है 15 अप्रैल की। देखिए, धीरे धीरे जैसे उस भय से मुक्त होते हुए हमने प्रकृति का सहारा लिया, पेंटिंग और रंगों का सहारा लिया, तो मेरे अंदर एक आत्मबल, क्योंकि कलाएं जो हैं हमारी आत्मा को पोषित करती हैं, पल्लवित करती हैं। कलाओं का इतिहास शुरू से यही रहा है, प्री हिस्टोरिक से आप देख लीजिए तो कलाएं संजोती हैं अंतर मन को और विकसित करती हैं, ऊर्जा देती हैं। तो वही इन परिस्थितियों में मेरे साथ हुआ, जिसको हमने अनुभव किया कि प्रागैतिहासिक काल में आदिम मनुष्य जो था उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कलाओं का सृजन किया, दीर्घा पे दीर्घा तैयार कर दी।
तो ये छोटी सी अनुभूति हमारी इन क्षणों में, इन 2-2.5 महीनों में रही है, वो शब्दों के माध्यम से है। और आपको इसमें पता चल रहा होगा कैसे कैसे हमारी मानसिकता चेंज हुई है, कैसे कैसे उसमें बदलाव आया है, बिंब बदले हैं हमारे। फिर 15 अप्रैल की रचना है ये, जब हमारे मजदूर भाई भीड़ चली जा रही थी, कोई उसका और छोर नहीं था, कहीं कोई क्षितिज नहीं था, उस भाव को हमने, उस भीड़ को इन शब्दों में पिरोया है। भीड़, अच्छा हुआ भीड़ नहीं देखी, ये व्यंग है एक तरीके से हमारे विजन से, अच्छा हुआ भीड़ नहीं देखी। देश की गरीबी तौबा तौबा, अच्छा हुआ भीड़ नहीं देखी, देश की गरीबी तौबा तौबा। बंद आंखें थी हमारी, अच्छा हुआ शहर में गांव नहीं देखा, अच्छा हुआ शहर में गांव नहीं देखा, बंद आंखों से भीड़ नहीं देखी। कुछ तो फायदा हुआ नहीं तो उनका दर्द, कुछ तो फायदा हुआ नहीं तो उनका दर्द हमारी रगों में फैल जाता, नहीं तो उनका दर्द हमारी रगों में फैल जाता, हम मौन हो जाते बस यूं ही भीड़ से निकलकर हमने चुपके से देखा, बस यूं ही भीड़ से निकलकर हमने चुपके से देखा, सभी मौन चले जा रहे थे, बस यूं ही भीड़ से निकलकर हमने चुपके से देखा, सभी मौन चले जा रहे थे, जैसे जनाजे में भीड़ शांत निर्विकार। बिल्कुल यही फील हुआ, ये न्यूज़ में देखा, इस पे काम भी हमने, पेंटिंग भी की है, रेखांकन भी किया है, वही फीलिंग। जिनकी श्रम से अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, जिनके श्रम से मशीनरियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां चल रही थी, इन 2-2.5 मंथ के बीच में उनको इस तरह बेघर कर दिया कि लगा ही नहीं कि हम उनसे हैं, ऐसा लगा कि वो हमारे लिए क्या है, ना उनके पास संवेदनाएं हैं, ना उनकी आत्मा है, ना उनका परिवार है। तो उस अनुभूति को हमने कुछ शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया था। और एक बीच में इन रचनाओं के बाद जब मेरे अंदर आया कि वेद भी तो यहाँ पे सृजित हुए हैं, अभी जो मैंने बताया, तो उस चीज़ को लेकर के कि ये जो हमारा संपूर्ण भारत है ये कभी विचलित नहीं होगा, झंझावात बहुत आएंगे, बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमारी जड़ों में वेदों का वो प्रकृति से लिया हुआ एसेंस भरा हुआ है, हमारी आत्मा में, हमारे देश में, तो ये झंझावातों को झेलेगा और हम वापिस अपनी उसी दुनिया में आएंगे जो एक सहज रूप में, लेकिन इसके लिए हमें प्रकृति को सहजना होगा और हमारे जो भोले भाले मजदूर भाई श्रमिक लोग हैं उनका सहारा हमें, उनका सामने सहारा देना होगा, उनकी जो एक रिक्तता जीवन में आई है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा, बहुत दुख होता है कि जिनसे हम हैं आज वही बेघर होकर के और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ तो हम शब्दों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, जितना भी आप लोग सुन रहे हैं हमारे लिए यही बहुत है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपनी बात आप तक पहुंचाने का, हो सकता कहीं ना कहीं आपके मन में भी यही अनुभूतियां हों, तो हमारे लिए बहुत ही एक ये जो क्षण है इसको हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं। फिर 24 में अप्रैल को पेंटिंग्स बनाई हैं ये सब, फिर 6 अप्रैल को रचना जो हमने लिखी है उसमें थोड़ा सा आप देखिएगा, खुदा की दस्तक कयामत तक हिला देती है, फिर वही एक विजन है नेचर का हमारा, खुदा की दस्तक कयामत तक हिला देती है, अब तो संभल जाओ, एक एक पौधा लगाओ, हमारी सांसों का वो रहनुमा है, अब तो संभल जाओ, एक एक पौधा लगाओ, हमारी सांसों का वो रहनुमा है, पिघलाकर खाक से वो बुत बना देता है, पिघलाकर खाक से वो बुत बना देता है, हमारी नब्ज वो जानता है, दर्द देकर दर्द की दवा भी करता है,
क्योंकि क्योंकि वो खुदा है, क्योंकि वो खुदा है। और आगे मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ सब सही होगा, वेदों का सृजन यहाँ ही हुआ है, बस हमें अपनी थिंकिंग, अपनी दृष्टि को बदलना होगा। प्रकृति के लिए सहज होना पड़ेगा, श्रमिकों के लिए हमें थोड़ा सा अपनी भावनाओं को समर्पित करना पड़ेगा और ये सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आता है मई, मई का जो ये 5 मई, इस बीच पेंटिंग चलती रही, 5 मई की जो हमारी शब्दों की अभिव्यक्ति है, आधी रात, आधी रात दहशत की चादर लपेटे, आधी रात दहशत की चादर लपेटे चल पड़ा कारवां। भीड़, वही मजदूर भाई जो जा रहे थे अलग अलग उसके, तो वो एक सोच हमारा है, क्योंकि इस समय मैंने न्यूज़ देखना बिल्कुल बंद कर दिया था। ये हमारी अनुभूतियाँ हैं, वही जो थोड़ा बहुत देखा मैंने, लेकिन हर तरफ से, हर न्यूज़, हर पेपर में वही चीज़ होती थी। आधी रात दहशत की चादर लपेटे चल पड़ा कारवां, बेजुबा दिशाहीन। दहशत की चादर लपेटे चल पड़ा कारवां, बेजुबा दिशाहीन, नोचता अपनी ही आत्मा को, नोचता अपनी ही आत्मा को, धिक्कारता इंसानियत को। सोचता हुआ जा रहा होगा और उसकी सोच उस समय क्या हो सकती है, नोचता अपनी ही आत्मा को, धिक्कारता इंसानियत को, चल पड़ा खाली हाथ थका हारा अपने वतन को। आधी रात दहशत की चादर लपेटे। अब देखिए, बिल्कुल यही अनुभूतियाँ होंगी जब हम देख रहे हैं कि चला जा रहा है। एक तो जो देखा साइकिल पर 90 साल की अपनी माँ को लेकर के बेंगलोर से वो कहाँ जा रहे थे, तो ये तो एक घटना है, सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं। तो हम लोग अपनी कलाओं के माध्यम से कुछ तो कर सकते हैं, कलाओं के माध्यम से बहुत बहुत बदलाव आए हैं। इसलिए हमें एक बहुत स्ट्रांग होना है, और स्ट्रांग होकर के हम और आप मिल करके जब एक मुहिम चलाएंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा तो कुछ कुछ लोगों तक राहत मिलेगी। केवल शब्दों से नहीं, उनके साथ निकल करके, उनको समझा करके, बहुत कुछ ऐसे माध्यम है, वो तो खैर बहुत बात की बात है। अभी हम सिर्फ अपने मानसिकता को, अपने साथ वालों को इन कलाओं के माध्यम से बहुत राहत दे सकते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि बहुत ज़्यादा यदि आप सोचते गए तो आपका एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। लेकिन इस समय बिल्कुल कंफ्यूजन का नहीं है, प्रकृति हमारे साथ है, हम उसके हैं और हमारी कलाएं हमारे साथ में हैं। ये 8 मई की एक रचना है, शब्द। जब बहुत मैं सोच रही थी लिखने के लिए और उहापोह चल रही थी, तो शब्द भी भटक गए थे। देखिए शब्दों ने क्या किया, कहाँ कहाँ बिखरे वो। 8 मई की रचना है, उस समय सोचिए क्या चल रहा था, अभी पिछले ही वीक की बात है। शब्द, शब्द बहुत थे, शब्द शब्द बहुत थे, कुछ खो गए भीड़ के सन्नाटे में। शब्द बहुत थे, कुछ खो गए भीड़ के सन्नाटे में, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ लटक गए अदृश्य खुरदुरी दीवारों पर। कुछ इधर कुछ उधर, कुछ लटक गए अदृश्य खुरदुरी दीवारों पर, कुछ चिपक गए शहरों की बज बजाती गलियों में। कुछ चिपक गए शहरों की बज बजाती गलियों में, कुछ चिल्लाते नजर आए, कुछ चिल्लाते नजर आए, कुछ सिसकते हुए, कुछ कराहते नजर आए, फिर भी मैं खोजती रही किताबों के पन्नों में दुआओं की दरकार तक। देखिए शब्द भी भटक गए थे और कहाँ कहाँ पहुँचे, ये हमारी अनुभूतियाँ हैं, और फिर भी मैं उनको पुस्तकों में खोजती रही। ये 8 मार्च की रचना थी, बहुत अच्छा लग रहा है सबको, बहुत, अरे वाह सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। 22 देखिए ऐसे ही बहुत सारी रचनाएं हैं जो ये मैं चुन करके लाई थी, कि इन रचनाओं में आपने देखा होगा जो हमारी एक मानसिकता थी, हमारा जो एक सौंदर्य बोध था, हमारा जो एक सोच था,
एक क्रिएटिविटी थी, वो कैसे कैसे आते हुए भय से उसने लोहा लिया और अपनी कलाओं के माध्यम से उन पे विजयश्री प्राप्त की है, ये हमारी मुझे मेरी सफलता समझ में आई है और आप लोगों ने सुना है। और रही क्वारंटाइन की बात, सॉरी जो इस समय बहुत जगह सब जगह मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कलाओं पे इतना काम हो रहा है, इतने वेबिनार्स हो रहे हैं, एग्जीबिशंस हो रही हैं, तो वो सब कलाएं ही ऐसा कर सकती हैं कि एक जनमानस तक मानसिक सुकून पहुंचा सकती हैं। और ये थोड़ी सी हमारी एक शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश रही है। कैसा लगा आप लोगों को, बीच बीच में हम देखते गए, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और कैसा लगा ये लग रहा है, धन्यवाद बहुत बहुत सभी को, बहुत अच्छा लगा। और फिर से हमारा निवेदन यही है कि आप लोग वापस एक मुहिम चलाएं हम सब लोग मिलके, कि वापस हम गांव की ओर और प्रकृति की ओर चलें, तो इसमें हमें पूरी सफलता मिलेगी। और हम लोग कभी कहीं से कमज़ोर नहीं है, हमारा देश कमज़ोर नहीं है, क्योंकि हम जहां वेद रचे गए हैं, ऋषियों का वास रहा है वहां, और ललित कलाएं इतनी संपन्न रही हैं, तो हम लोग पीछे, ये तो कुछ क्षण की बात है, ये अभी स्थितियां हैं, समय है। कहते हैं वक्त जो है ना, वक्त आता है और वक्त जाता भी है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तभी तो कंपेरिजन कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद सभी को, और सबसे ज़्यादा जन सरोकार मंच को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उससे जुड़े सभी बंधुओं को, सर को, बड़ों को, छोटों को, सब लोगों ने सुना मुझे, बहुत अच्छा लगा, बहुत समय दिया। और चित्र नहीं दिखा पाए, चित्र भी आप देखते रहिएगा, कहीं कहीं एग्जीबिशन लगती हैं, फेसबुक पे पड़े हुए हैं, तो आप हमारी कविताओं के साथ में चित्र पड़े हुए हैं, तो आप लोग देखिएगा। और कुछ और कुछ बात करनी है, हाँ मैं देख रही हूँ, मैं जो हमारा एक शुरू से ही रुझान है प्रकृति का, मेरा लैंडस्केप प्रमुख है, और प्रकृति के बगैर तो जीवन ही नहीं है, किसी का भी नहीं है, जो भी है वो नेचर के साथ है। और जहाँ नेचर को छोड़ा हमने, प्रकृति को छोड़ा, वहाँ पे विपदाएं आई हैं, और जहाँ हम उसके उसके अपने कहते ना, उसको हमने अपने में समाहित कर लिया, तो विजयश्री प्राप्त हो गई है और यही होने वाला है। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर बहुत बहुत। कुछ और किसी के प्रश्न हैं? विजय विष्ट, धन्यवाद सभी को। पूनम मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको अच्छी लगी रचनाएं। सिंह सर, विजय विष्ट, विष्ट सर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद जन सरोकार मंच, जोशी सर। हाँ अजीत सर, ये बिल्कुल ये हमारी पहली है और हमें लगता है ये सफल भी होगी और ये समय निकल जाएगा। हम लोग बहुत इसी, ये जो माध्यम है ये सब हमारे सुकून के लिए है, लोगों के सुकून के लिए, हमसे लोग मिल करके ये समय इतना निकालना है और निकल जाएगा। धन्यवाद सर, सबको नमस्कार।